जी पहली बार भारत में किसी महिला अपराधी को फांसी होने जा रही है। निश्चित रूप से अपराध जो है, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, अगर अपराधी है तो दंड तो मिलना ही चाहिए। लेकिन न्यायपालिका में जब किसी को फांसी की सजा सुना दी जाती है, इसके बाद एक ऑप्शन उसके पास होता है कि वो चाहे तो महामहिम राष्ट्रपति महोदय के यहाँ दया याचिका लगा सकता है और महामहिम राष्ट्रपति महोदय उसको क्षमा भी कर सकते हैं। शायद है यह इन्हीं परिस्थितियों के लिए यह विधान हो, जिस तरह की यह परिस्थिति जो हालात पैदा हो गए हैं, क्योंकि भारत की जो है इस पावन धरा पर पहली बार किसी महिला को फांसी होने जा रही है। भले ही वह अक्षम्य हो, भले ही उसको फांसी की सजा सुना दी गई हो, लेकिन उसको क्षमा करना उचित रहेगा, क्योंकि हमारा देश ऐसा है जिसको हम भारत माता कहते हैं। हमारे वेदों से लेकर के शास्त्रों और पुराणों में माताओं बहनों का स्थान पुरुषों से हजारों गुना श्रेष्ठ बताया गया है। यहां तक कि बताया गया है कि भगवान भी जो है, भगवान का भी नाम लिया जाता है तो सबसे पहले मातृशक्ति का जो है उसमें नाम आता है, सीता राम राधे श्याम गौरी शंकर इत्यादि। मैं हिंदू धर्माचार्य हूं, मैं जगत गुरु परमहंस आचार्य आचार्य पीठ श्री तपस्वी जी छावनी राम घाट अयोध्या से महामहिम राष्ट्रपति महोदय से अपील करना चाहता हूं कि जो शबनम नाम की महिला को फांसी होने जा रही है उनको क्षमा किया जाए, उनकी दया याचिका को स्वीकार किया जाए, क्योंकि मुसलमानों में मुस्लिम महिलाओं के प्रति इतना अत्याचार होता है। महिला खतना है, हलाला है, बुर्का प्रथा है इत्यादि, और ये जो ट्रिपल तलाक रहा है, अभी तक तमाम महिलाएं ट्रिपल तलाक की शिकार होती रही हैं। तो जो मुस्लिम महिलाओं के ऊपर मुसलमानों का जो अत्याचार है अभी भी जारी है, इसलिए शबनम ने जो भी कदम उठाया उसको जो है तो जो दंड अभी तक मिला उसका प्रायश्चित शायद हो चुका है। महामहिम राष्ट्रपति महोदय के पास जो दया याचिका है, शायद इन्हीं परिस्थितियों के लिए, इन्हीं हालात के लिए, अगर ऐसी स्थिति बने तो फिर वहां क्षमा करना उचित रहेगा। महामहिम राष्ट्रपति महोदय यदि शबनम को क्षमा करते हैं, दया करके अगर उसको फांसी की सजा से मुक्ति दिलाते हैं, तो करोड़ों महिलाओं का जो है राष्ट्र के प्रति प्रेम बढ़ेगा और निश्चित रूप से महिलाओं का सम्मान जो भारतीय संस्कृति में सर्वोपरि है, इसका भी एक अच्छा संदेश जाएगा भारत की धरती से। तो मैं एक हिंदू धर्माचार्य के नाते भारतीय संस्कृति में महिलाओं का जो सम्मान है उसका जिक्र करते हुए महामहिम राष्ट्रपति महोदय से मैं हाथ जोड़ करके प्रार्थना करता हूं कि फांसी होने वाली शबनम को फांसी की सजा को माफ किया जाए और उसने जो भी अपराध किया था शायद है उसका उसने प्रायश्चित कर लिया है, अब उसको क्षमा दान देना उचित रहेगा। जय श्री राम।